हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे पैराक्वाट हर्बिसाइड के बारे में। हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, हमेशा इनके बारे में इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहता है, ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट रहता है, ये हम आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। आज स्पेसिफिकली इसके बारे में पढ़ेंगे। क्वेरीज के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। अब देखिए क्या रेलेवेंस है इस टॉपिक का। मेन्स पेपर 2 में, हेल्थ एंड एजुकेशन में, ये टॉपिक आपका कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे पैराक्वाट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और सब्जेक्टिव लेवल पे कि हम किस तरह से किसानों की जो मृत्यु हो रही है हजार्डस केमिकल्स की वजह से, जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं, उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आज किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हर्बिसाइड यानी एक इस तरह का केमिकल होता है जिसको हम अपने खेतों में यूज़ करते हैं, अनवांटेड वेजिटेशन जो होती है, जो वीड्स होते हैं, जिन पेड़ पौधों की हमको ज़रूरत नहीं है वो कई बार उग जाते हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए हम हर्बिसाइड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हर्बिसाइड है पैराक्वाट, इसकी वजह से 170 लोगों की लास्ट 2 साल में उड़ीसा के बुरला डिस्ट्रिक्ट में मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से ये डिमांड्स उठ रही हैं कि इसको हमारे देश में बैन कर दिया जाए। क्योंकि बैन नहीं करेंगे तो फार्मर्स तो भी इसको यूज़ करते रहेंगे और प्रॉपर प्रिकॉशंस भी नहीं लेंगे, और इस वजह से अगर 2 साल का डेटा देखा जाए तो 170 डेथ्स बहुत ज़्यादा होती हैं। इस वजह से इसको बैन करने की, इस पर प्रतिबंध लगाने की जो डिमांड है वो उठ रही है। अब इसके बारे में जानते हैं कि आफ्टर ऑल ये पैराक्वाट हर्बिसाइड क्या है। ये एक टॉक्सिक केमिकल है जिसको हर्बिसाइड यानी प्लांट किलर, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, अनवांटेड वेजिटेशन है, उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली जो आपके वीड्स हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है, और फालतू का जो घास फूस उग जाता है खेत के आगे पीछे, घास जो ज़रूरत नहीं होती जिसकी, उसको ख़त्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब देखिए ऑलमोस्ट 32 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इसको बैन कर दिया गया है, जिसमें से स्विट्ज़रलैंड भी आपकी एक देश है जिस जहाँ पे इस पर्टिकुलर ये जो आपका पैराक्वाट है हर्बिसाइड, इसको बैन किया गया है। और ये जो हर्बिसाइड है इसको जो कंपनी बनाती है जिसका नाम है सिजेंटा, वो स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी ही है। तो आप देख सकते हैं कि स्विट्ज़रलैंड में भी इसको बैन कर दिया है जो कंपनी इसको बनाती है, लेकिन इंडिया में ये अभी भी आ रहा है। और एक सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट आई थी एक ऑनगोइंग केस में, जहाँ पे 99 पेस्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स का नाम था कि जिनको बैन करना चाहिए, पैराक्वाट उनमें से भी एक है। और पैराक्वाट डाइक्लोराइड जो है इसको 25 क्रॉप्स हैं भारत में जिनके लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन जबकि इसके पास अप्रूवल सिर्फ 9 क्रॉप्स के लिए यूज़ करने के लिए है। जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है और रजिस्ट्रेशन कमेटी है, उसने सिर्फ 9 क्रॉप्स पे यूज़ करने के लिए बोला है इस हर्बिसाइड को, लेकिन हम इसको ऑलमोस्ट 25 क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वायलेशन भी है, जो इंडियन इंसेक्टिसाइड्स एक्ट है उसका वायलेशन भी है, क्योंकि इसको बाकी क्रॉप्स पे यूज़ नहीं करना है और हम कर रहे हैं। अभी तक इंडिया में सिर्फ केरला ही एक ऐसी स्टेट है जिसने इस हर्बिसाइड को टोटली बैन किया है। एक और वायलेशन यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखिए फार्मर्स जो हैं वो जो लेबल्स होते हैं कंटेनर्स पे, उनको पढ़ते नहीं हैं, कई बार पढ़ नहीं पाते और कई बार पढ़ना नहीं चाहते। तो जो रिटेलर्स हैं वो इस पैराक्वाट को एक प्लास्टिक की बॉटल में बेचते हैं, प्लास्टिक के कैरी बैग्स में जहाँ, और या फिर रीफिल बॉटल्स में बेचते हैं, जो फिर से मैं आपको बता दूँ एक वायलेशन है इंडियन इंसेक्टिसाइड्स एक्ट। अब बात की जाए कि ये इतना हानिकारक क्यों है, ये लीथल क्यों है, क्योंकि इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है इस हर्बिसाइड का। अगर कंज्यूमर कंप्लेन करता है कि उसको कोई किडनी, लिवर, लंग प्रॉब्लम हो गई है इसकी वजह से, तो इसको ठीक करने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है। हो सकता है कि लोग किडनी प्रॉब्लम से रिकवर कर जाएं, लेकिन कई बार वो लंग और लिवर रिलेटेड एलिमेंट से उनकी मृत्यु हो जाती है, और बहुत बार किडनी फेलियर भी इसकी वजह से हमने देखा है। तो आप समझ सकते हैं लीथल है, इतना हानिकारक है जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इसके लिए एक वर्ल्ड वाइड बैन की डिमांड जो है वो की जा रही है, कि जब ये केमिकल, ये हर्बिसाइड इतना ही ख़तरनाक है तो इसको बैन क्यों नहीं किया जाता। एक आती है आपकी रोटरडम कन्वेंशन।
अभी वहाँ पे इसको लिस्ट होना PIC यानी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है, ये एक रॉटरडैम बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इस पे रेगुलेट किया जाता है, रूल्स गाइडलाइंस दे रखी हैं हजारिस केमिकल के लिए, 1998 में इसको जो है साइन किया गया था। यहाँ पे अभी तक इस केमिकल को लिस्ट नहीं किया गया है। देखिए केमिकल फिगर्स की अगर बात करें जिनका नाम PIC लिस्ट में आता है, तो जो देश इसको एक्सपोर्ट कर रहा है, जो देश इसको इंपोर्ट कर रहा है, उसका प्रायर जो कंसेंट है, वहाँ से परमिशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम आपके देश में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इस तरह के केमिकल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट नहीं किए जा सकते, राइट। तो PIC में आने का इसका ये बेनिफिट होगा अगर ये यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है। बेसिकली फॉर्मली इसको जाना जाता है कन्वेंशन ऑन द प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीडियर फॉर सर्टन हजार्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। यानी इंटरनेशनल ट्रेड में ये कन्वेंशन क्या है कि जिस देश में आपको केमिकल भेजना है उस देश की गवर्नमेंट से आपको प्रॉपर पहले परमिशन लेनी है। किस केस में? जहाँ पे जो केमिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी के दौरान ये चीज़ साइन की गई है। ये बेसिकली एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसको क्यों यूज़ किया जाता है? इसमें हम प्रमोट कर रहे हैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि हाँ, हम हर देश की उतनी ही केयर करते हैं जितनी अपने देश की करते हैं। और किसके रिलेशन में? हजार्डस केमिकल्स की। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी देश में डेंजरस केमिकल्स भेजते जा रहे हैं। और इंडिया भी इसका एक पार्टी, एक मेंबर है, 161 बाकी पार्टीज हैं और इंडिया भी उनमें से एक मेंबर है। और इस कन्वेंशन में प्रमोट किया जाता है ओपन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉल्स। किसी भी तरह की कॉल्स या इंफॉर्मेशन जो है, एक्सपोर्टर्स जो हैं हजार्डस केमिकल्स को लेकर प्रॉपर लेबलिंग देंगे, डायरेक्शंस देंगे कि कैसे सेफ हैंडलिंग की जाए, परचेजर्स को इन्फॉर्म करेंगे और रिस्ट्रिक्शंस और बैन्स का भी पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। और जो सिग्नेटरी नेशंस हैं यहाँ पे, वो डिसाइड करते हैं कि इसको अलाउ किया जाए या बैन किया जाए, कि जो केमिकल्स लिस्ट किए गए हैं ट्रीटी में एक्सपोर्ट करने के लिए, और उनकी जुरिस्ट्रिक्शन की, उनके देश के रूल्स क्या कहते हैं, उसको पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पैराक्वाट के बारे में और एक्स्ट्रा बताती हूँ कि किस तरीके से इतना डेंजरस है। देखिए इसको जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसका जो सॉल्ट है, हम बहुत ज़्यादा हर्बिसाइड्स में यूज़ करते हैं। बेसिकली ये बहुत ही क्विक एक्टिंग और नॉन सिलेक्टिव है। जितने भी प्लांट्स के जो ग्रीन प्लांट टिश्यू होते हैं उनको, उनके कॉन्टैक्ट में आते ही उनको ख़त्म कर देता है। और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी ये बहुत डेंजरस है, बिकॉज इसमें रिडॉक्स एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से आपके सुपर ऑक्साइड जो हैं एनाइंस वो प्रोड्यूस होते हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। और इसको लिंक किया जाता है एक बीमारी के साथ जिसको हम बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज़, राइट। इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी। और यही वजह है कि इसको बहुत से देशों ने बैन किया है। अब देखिए यूजुअली अगर आप देखें जो पैराक्वाट है, ये कई बार आपको सॉल्ट की फॉर्म में मिलता है, कई बार ये आपको क्लोराइड के फॉर्म में भी मिलता है। अगर अब हम बात करें इसके हर्बिसाइड यूज़ की, कि इसको किस तरीके से हर्बिसाइड की तरह यूज़ किया जाता है, तो देखिए पहली बार इसको 1882 में बनाया गया था इसकी हर्बिसाइडल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। लेकिन इसकी हर्बिसाइडल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमको 1955 में पता चला। इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स यही हैं कि जो वाइड रेंज ऑफ जो आपके ग्रासेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये उनको ख़त्म कर देता है। जो ब्रॉड लीव, जो वीड्स हैं जिनके पत्ते बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हैं, चौड़े हैं, उनके टिप्स जो हैं, इस तरह के पेरिनियल वीड्स को ये ख़त्म कर देता है। इसका एक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट रहता है, मिनट्स ऑफ एप्लीकेशन के अंदर, थोड़ी देर ही आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसका एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट आपको दिखेगा। लेकिन कई बार अगर ये सॉइल के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ये इनएक्टिव हो जाता है। और अगर हम इसकी टॉक्सिसिटी लेवल की बात करें कि ये कितना ज़्यादा हार्मफुल है, तो जो प्योर पैराक्वाट है, अगर इसको कोई डायरेक्टली पी लेता है तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है मैमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि इससे ARDS है आपका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है।
और जैसे मैंने बताया कि स्पेसिफिक इतना ख़तरनाक क्यों है, क्योंकि इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है कि हम इसको किससे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जो एक्टिवेटेड, अगर कोई इसको गलती से पी लेता है, इंजेस्ट कर लेता है, तो जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो उसको दिया जाता है, वो कहते हैं कि उससे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है। और इसमें बोला जाता है कि अगर कोई इसको लाइक इंजेस्ट कर लेता है, पी लेता है इस तरह के, तो 30 दिन डेथ उसकी हो सकती है 30 दिन के अंदर। इसलिए इसको डाइल्यूट करके स्प्रे किया जाता है, लेस टॉक्सिक रहता है। लेकिन ग्रेटेस्ट रिस्क है इसका एक्सीडेंटल पॉइजनिंग का, कि कई बार ये मिक्स हो जाएगा या पैराक्वेट किसी चीज़ के साथ मिक्स हो जाए, तो इसी तरह से हमको बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और इसको बैन करने की सबसे बड़ी कैंपेन इसलिए चल रही है कि जो लोग इसके एक्सपोजर में रेगुलरली रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो क्रोनिक एक्सपोजर है, लंग डैमेज, किडनी फेलियर ये सब, और ईसोफेगल स्ट्रिक्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एक्सीडेंटल डेथ्स और सुसाइड्स भी पैराक्वेट इंजेक्शन की वजह से हमको देखने को मिलती है। मैंने तो भारत में 170 डेथ्स आपको बताई, लेकिन 5000 डेथ्स चाइना में हर साल पैराक्वेट पॉइजनिंग की वजह से होती हैं। बहुत से लोग इसको सुसाइड और मर्डर के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इजीली अवेलेबल होता है, तो लोग इसको किसी को मिक्स करा के पिला देंगे। तो इस तरह का जो चीज़ है इतना एक्सट्रीमली डेंजरस, इसलिए भी रोटरडैम कन्वेंशन में इसको इंक्लूड करने की बात की जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सामोआ में 1979 से लेकर 2001 तक का डेटा हमको दिखाता है कि 70% सुसाइड जो हैं वो पैराक्वेट पॉइजनिंग की वजह से हुए हैं। एक फैशन सेलिब्रिटी थी इजाबेला ब्लो, उन्होंने भी सुसाइड किया था 2007 में, वो भी पैराक्वेट पी के। और जितनी भी हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पैराक्वेट एक वाइडली यूज्ड सुसाइड एजेंट है, बिकॉज ये बहुत इजीली लो कॉस्ट पे अवेलेबल रहता है। और जिस तरह से मैंने मर्डर्स की बात की, बहुत ही इंडिस्क्रिमिनेट पैराक्वेट मर्डर्स जो हैं वो जापान में हमने बहुत सारे देखे थे 1985 में। और इसके बाद जो मैंने आपको डिजीज़ बताई, पार्किंसंस डिजीज़, यहाँ पे मैं फिर से लिख देती हूँ, पार्किंसंस डिजीज़, जो US नेशनल इंस्टीट्यूट हेल्थ स्टडी का है, उसने जो लिंक है पैराक्वेट और पार्किंसंस डिजीज़ के बीच में बताया कि फार्म वर्कर्स को ये डिजीज़ बहुत सी हो जाती है और पैराक्वेट उसका एक रीज़न हो सकता है। इसमें जो ये पेपर लिखा गया उसमें बताया कि जो पैराक्वेट है ये कुछ इस तरह के ऑक्सीजन डेरिवेटिव्स हैं जिनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है, जो हमारी बॉडी के सेलुलर स्ट्रक्चर्स के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। देखिए, पार्किंसंस जो है न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव मैकेनिज्म है, एक सिंड्रोम है। ये हमने जब इस पे रैट पे टेस्ट किया तो भी ये बीमारी हमने देखी। इस लेक्चर में हमने हर्बिसाइड पैराक्वेट की बात की है, लेकिन ऑब्वियसली हर्बिसाइड्स को वीड्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ हम वीड्स के बारे में जानेंगे कि वीड्स क्या हैं। बेसिकली वाइल्ड अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि कम्पीट करते हैं, कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं आपके नॉर्मल हेल्दी प्लांट्स के लिए। जैसे आपका एक हेल्दी प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है और यहाँ पे एक वीड है, अब ये दोनों ही कॉम्पिटिशन में हैं, दोनों को पानी चाहिए, लाइट चाहिए, सॉइल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। और वीड्स अगर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो हमारे हेल्दी प्लांट को, जो हमको ज़रूरत है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वीड्स कॉम्पिटिटिव, परसिस्टेंट, पर्निशियस, और ये इंटरफेयर करते हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जो हम ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हमको इनसे छुटकारा चाहिए। तो अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें वीड्स की, जो हमारी क्रॉप की क्वालिटी है ये उसको डिक्रीज करता है, उसके बाद इंटरफेयर करता है हमारे हार्वेस्टिंग में, और जो एफिशिएंसी है फार्म इक्विपमेंट्स की उसको रिड्यूस करता है, उसके बाद जो कैपेसिटी है ग्रेजिंग लैंड्स की, पास्चर्स की, उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि जहाँ पे हमें कैटल को ग्रेज करवाना है वहाँ पे वीड्स अगर आने लग जाएंगे तो कैटल उनको नहीं खाएंगे ऑब्वियसली, तो जो कैपेसिटी है उसकी ओवरऑल ग्रास ग्रो करने की उसको कम कर देगा, राइट? तो इसलिए लोग जो फार्मर्स हैं वो वीड से छुटकारा चाहते हैं और हर्बिसाइड्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि वीड्स जो हैं ये क्वालिटी क्वांटिटी दोनों ही प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स की उनको वीक कर देता है, उनकी क्वालिटी को आप कह सकते हैं इम्पेयर कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल थॉर्नी वीड्स आ गए, या फिर सीड्स जो हैं कुछ वीड्स के वो बहुत सिमिलर रहते हैं आपके क्रॉप सीड्स के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको सेपरेट करना कि कौन सा क्रॉप का सीड है, कौन सा आपके वीड का सीड है, तो कई बार मिक्स भी हो जाते हैं।
तो अगर हम मेथड्स की बात करें कि वीड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स हैं, तो डेफिनेटली पहले अगर हम हर्बिसाइड की बात कर रहे हैं तो हमारा केमिकल मेथड है, उसके बाद हमारा मैकेनिकल कंट्रोल भी आता है, उसके बाद आता है हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल, राइट, और उसके बाद आता है आपका मैनुअल कंट्रोल। अब ये जो है पहला वाला केमिकल कंट्रोल, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी है, इसमें हम हर्बिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, हर्बिसाइड कंट्रोल करते हैं वीड प्लांट्स को, या तो स्पीड अप करते हैं या उनको बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं उनकी ग्रोथ पैटर्न्स को, उनको ड्राई कर देंगे, उनके लीव्स एंड स्टेम्स ख़त्म हो जाएंगे, राइट। मैकेनिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, टूल्स और मशीनरी यूज़ करते हैं वीड्स को मैनेज करने के लिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम इंसेक्ट्स को यूज़ करते हैं, पैथोजेंस को यूज़ करते हैं, राइट, जो बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं उनको करते हैं, और मैनुअल कंट्रोल में हम यूज़ करते हैं हैंड्स या हैंड हेल्ड टूल्स कि खुद पकड़ के वीड्स को हम काटेंगे। तो एडवांटेज क्या है मैनुअल कंट्रोल का कि इसमें सॉइल डिस्टरबेंस नहीं होती और इरोजन या वीड सीड जर्मिनेशन जो है वो नहीं होता। तो इनमें से सबसे जो इफ़ेक्टिव मेथड है वो केमिकल मेथड है, लेकिन ये उतना ही डेंजरस भी है क्योंकि बाकी प्लांट्स पे भी इसका असर पड़ता है, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, हर जगह इसका असर हमको देखने को मिलता है। तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल पे फ़िलहाल जो है, एक लेटेस्ट भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि एक हमने बैक्टीरिया देखा है जिसके जीन्स को हम यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के तौर पर, राइट। तो इसको, इस टेक्नोलॉजी को, जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी को हम बूस्ट कर सकते हैं वीड कंट्रोल के लिए, ताकि हम केमिकल्स पे डिपेंडेंस जो है हमारी वो कम से कम हो। तो आप देख सकते हैं कि ये हर्बिसाइड कितना डेंजरस है, और यहाँ पे हमने पैराक्वाट हर्बिसाइड के बारे में जाना, उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में जाना, क्यों उसको बैन करने के लिए बोल रहे हैं, और रॉटरडैम कन्वेंशन क्या है ये भी हमने जाना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, थैंक यू। और देखिए, ये है हमारा चैनल स्टडी आई क्यू। अगर आप यूपीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है, जहां पे 100% कवरेज आपको यूपीएससी वा सिलेबस का मिलेगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स मिलेंगे, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है। ये जो कोर्स है ये टॉप फैकल्टीज़ द्वारा प्रिपेयर किया गया है, और अब ये कोर्स आप प्रति महीना 625 रुपये लेके भी खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी साइट विजिट कर सकते हैं, साइट पे नंबर्स दिए गए हुए हैं उन पे कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे वीडियो अपडेट्स के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।